दोस्तों कहते हैं, संसार में जब जब अन्याय बढ़ता है तब तक भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं। संसार को रावण और कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भी उन्होंने राम और कृष्ण का अवतार लिया था। भगवान विष्णु को इसलिए पालनहर्ता कहा जाता है। वैसे आपने ध्यान दिया होगा तो पाया होगा कि भगवान विष्णु हमेशा अपने सुदर्शन चक्र के साथ नजर आते हैं। दोस्तों सुदर्शन चक्र को दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र कहा जाता है, जिसने संसार से बुराइयों को मिटाकर पापियों का संहार करने में भगवान विष्णु की हर समय मदद की है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार में भी सुदर्शन चक्र उनके साथ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ लौट गए तब सुदर्शन चक्र का क्या हुआ, और आज सुदर्शन चक्र कहाँ है, और कैसे स्टार्टिंग में भगवान विष्णु को यह सुदर्शन चक्र मिला था? दोस्तों ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब यकीनन आपके पास नहीं होगा। तो अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार सुदर्शन चक्र एकमात्र ऐसा दिव्य अस्त्र है जो निरंतर गतिमान रहता है। यह प्रति सेकंड लाखों चक्कर लगा सकता है और पलक झपकते ही कई मिलियन योजन की यात्रा करने की क्षमता रखता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि एक योजन में 12 किलोमीटर होता है। दोस्तों सुदर्शन चक्र अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चीज को नष्ट करने की शक्ति रखता है। यह एक ही पल में दुश्मन के सर को धड़ से उड़ा देता है। यह एक ऐसा अचूक हथियार था जिसका निशाना कभी नहीं चूकता था। आप यहां सोच सकते हैं कि सुदर्शन चक्र कितना शक्तिशाली हथियार है। दोस्तों सुदर्शन चक्र को फेंका नहीं जाता था बल्कि इच्छा शक्ति से दुश्मन के खिलाफ भेजा जाता था। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के मन की बात सुनता था। दोस्तों महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण ने आखिरी बार इस चक्र का इस्तेमाल किया था। इसके बाद यह चक्र कभी नहीं देखा गया। आज भगवान विष्णु का प्रिय सुदर्शन चक्र कहाँ है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि सुदर्शन चक्र दिखता कैसा था और भगवान विष्णु के पास यह कैसे पहुंचा। दोस्तों आजकल के रॉकेट मिसाइल भी इस चक्र का मुकाबला नहीं कर सकते थे। ऋग्वेद के मुताबिक सुदर्शन चक्र एक स्पिनिंग डिस्क के जैसा हथियार था और इसमें 108 दांतेदार किनारे होते थे। वहीं वामन पुराण के मुताबिक सुदर्शन चक्र में 12 तीलियां और 6 नाभि होती हैं। इसका केंद्र वज्र से बना होता है। माना जाता है कि सुदर्शन चक्र की 12 तीलियां हिंदू चंद्र कैलेंडर के 12 महीनों के साथ साथ 12 देवताओं सोम इंद्र वरुण वायु अग्नि विज मित्र इंद्र अग्नि प्रजापति आदि का प्रतिनिधित्व करती हैं। वहीं 6 नाभि 6 ऋतुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु अपने चारों हाथों में से अपने दाहिने पिछले हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करते थे। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र को एक अंगूठी की तरह अपनी तर्जनी में धारण करते थे। दोस्तों वैदिक काल में तो सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु का काल चक्र का प्रतीक माना गया है जो लगातार चलता रहता था। हालांकि बाद में सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करने वाला निकला और इसे दुश्मनों के विनाश का हथियार माना जाता था। पुराणों की माने तो सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र है जिसे छोड़ने के बाद वो अपने लक्ष्य को खत्म करने के बाद ही वापस अपने छोड़े गए स्थान पर आता था। कई प्रतिष्ठित हिंदू शास्त्रों जैसे वेदों और यहाँ तक कि पुराणों में भी सुदर्शन चक्र के उपयोग से संबंधित विवरण है। इसे मुख्य रूप से ब्रह्मांड में कानून और व्यवस्था की रक्षा करने और बुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में वर्णित किया गया है। सुदर्शन चक्र का प्रयोग भगवान विष्णु और कृष्ण द्वारा भी कई बार किया गया था। इसका उपयोग समुद्र मंथन के समय मद्राचल पर्वत के आध्यात्मिक पर्वत को काटने के लिए किया गया था। सुदर्शन चक्र का उपयोग भगवान विष्णु ने सती के शरीर को टुकड़ों में अलग करने के लिए इसे पृथ्वी पर गिराने के लिए किया था। भगवान शिव सती के शरीर को लेकर जा रहे थे जिन्होंने अपने पिता दक्ष के द्वारा आयोजित एक यज्ञ में खुद को डालकर अपनी जान दे दी थी। भगवान शिव अत्यधिक दुख में थे और सती के शरीर को दाह संस्कार के लिए छोड़ने को तैयार नहीं थे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया और देवी सती के शरीर के अंगों को काट दिया।
जिन स्थानों पर सती के शरीर के 51 अंग गिरे उन्हें शक्तिपीठ के रूप में जाना जाने लगा। ऐसे ही अनेक उदाहरण मौजूद हैं। जब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया था, भगवान कृष्ण ने शिशुपाल के 100 पाप करने के बाद उसे मारने के लिए सुदर्शन चक्र का उपयोग किया था। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में सूर्यास्त का भ्रम पैदा करने के लिए भी सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया, जिससे अर्जुन को जयद्रथ को मारने में मदद मिली थी। यह भी माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था तो उन्होंने उसके नीचे सुदर्शन चक्र धारण किया था। दोस्तों, ये तो थे सुदर्शन चक्र के उपयोग के कुछ उदाहरण। अब आइए जानते हैं सुदर्शन चक्र कैसे अस्तित्व में आया, यानी कि यह भगवान विष्णु के पास कैसे पहुंचा। दोस्तों, कुछ धर्म ग्रंथों के मुताबिक सुदर्शन चक्र को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संयुक्त ऊर्जाओं के द्वारा बनाया गया था, जबकि अन्य शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि इस चक्र को गुरु बृहस्पति द्वारा भगवान विष्णु को दिया गया था। इन सब से इतर भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र कैसे पहुंचा, इससे जुड़ी कहानी आपको शिव पुराण में मिल जाएगी, जिसके मुताबिक एक बार राक्षसों और दैत्यों के अत्याचार से पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब देवताओं को अपने आसन खोने का डर सताने लगा। तब वे सभी देवता भगवान विष्णु से मदद के लिए गुहार लगाने पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से रक्षा करने का अनुरोध किया। इस पर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि उनके पास उन शक्तिशाली राक्षसों को हराने के लिए आवश्यक हथियार नहीं है, लेकिन देवताओं द्वारा बहुत अधिक अनुरोध करने पर भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना दी कि वह शिव से मदद मांगेंगे और उनसे एक विशेष हथियार देने का अनुरोध करेंगे, जो राक्षसों पर हावी हो सके और उन्हें हराया जा सके। देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनसे हथियार प्राप्त करने के लिए हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर चले गए और वहीं पर महादेव की तपस्या करने लगे। तपस्या पूरी होने के बाद भगवान विष्णु ने शिव जी की पूजा करने की सोची। इसके लिए भगवान विष्णु ने भगवान शिव के 1000 नामों का जाप करने और उनके हर एक नाम के साथ एक कमल का फूल चढ़ाने का संकल्प किया। अब भगवान विष्णु ने पूरी श्रद्धा भावना से 1000 कमल के फूल इकट्ठे किए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे और हर नाम के साथ एक कमल का फूल अर्पित करते गए। जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु की भक्ति भावना को देखा तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया और 1000 कमल के फूल में से एक फूल को चुरा लिया। इधर भगवान विष्णु शिव जी की पूजा करने लगे और भगवान शिव के नाम पर जाप करते हुए कमल के फूल चढ़ाते चले गए। अंत में विष्णु ने पाया कि एक कमल का फूल कम है। अगर वे उस कमल को नहीं चढ़ाते तो उनकी तपस्या और संकल्प दोनों ही भंग हो जाता। इसलिए भगवान विष्णु ने कमल की जगह अपनी आंखें निकालकर भगवान शिव के सामने रख दी। भगवान विष्णु की इतनी अपार भक्ति को देखकर शिव ने कहा, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं बस सब कुछ दूंगा जो आप चाहते हैं। इन शब्दों को सुनकर भगवान विष्णु ने शिव भगवान से उन्हें एक शक्तिशाली हथियार देने का अनुरोध किया, जो आसानी से सभी राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सके। तब भगवान शिव ने विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया, जिससे विष्णु को अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उसी सुदर्शन चक्र से विष्णु जी ने राक्षसों का वध किया और तब से सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के साथ रहा। दोस्तों, यहाँ एक सवाल जो शायद आपके दिमाग में आ रहा है कि आज सुदर्शन चक्र कहाँ है, तो इसका जवाब आपको भविष्य पुराण में मिल जाएगा, जिसमें इस बात का साफ उल्लेख है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या उनके अवतार के अलावा ना ही कोई धारण कर सकता है और ना ही कोई चला सकता था। महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण अपना देह त्याग करके बैकुंठ वापस लौट जाते हैं, तब सुदर्शन चक्र पृथ्वी पर रह जाता है और वह पृथ्वी में ही समा जाता है। भविष्य पुराण में इस बात का उल्लेख है कि भविष्य में जब धरती पर भगवान विष्णु कल की अवतार में अवतारित होंगे, तब भगवान विष्णु अपने कल की अवतार में सुदर्शन चक्र को पृथ्वी के गर्भ से धारण करेंगे। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।